स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार रस्तोगी, आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं मई 2020 के महत्वपूर्ण पुरस्कारों की सीरीज। और जो कैंडिडेट नए हों हमारे इस चैनल पर, वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और ये सभी आपके जो क्वेश्चन होंगे इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इसमें हम आपके सामने शुरुआत कर रहे हैं पॉइंट नंबर एक से। तो देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है पॉइंट नंबर एक, राजीव जोशी। यानी कि अभी हाल ही में राजीव जोशी को कौन सा पुरस्कार मिला है? इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। ये जो आपके सामने फोटो बनी हुई है, यह है फोटो आपकी राजीव जोशी की है, और इन्हें अभी हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये सभी क्वेश्चन आपके पीसीएस, एसएससी, रेलवे, आरओ, एआरओ, यानी कि जो भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स आती है, सभी के लिए मोस्ट मेंट क्वेश्चन है आपके। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है मनमीत कौर। अभी हाल ही में मनमीत कौर को ब्रिटिश अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये मनमीत कौर कौन है? ये आपकी पाकिस्तानी सिख महिला हैं। ध्यान रखना आप, ये पाकिस्तानी सिख महिला हैं ये। और इनका एरिया कौन सा है? पत्रकारिता का एरिया है। और इनको अभी हाल ही में, यानी कि मनमीत कौर को ब्रिटिश अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और पाकिस्तानी सिख महिला हैं ये। और इनका एरिया क्या है? यानी कि पत्रकारिता इनका एरिया है। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखिए, आपके सामने लिखा हुआ पॉइंट सानिया मिर्जा। अभी हाल ही में सानिया मिर्जा को फेड कप हर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आप लोग सभी जानते हैं सानिया मिर्जा को, काफ़ी ये फेमस हैं। तो सानिया मिर्जा को अभी हाल ही में फेड कप हर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो वीडियो आपकी, ये स्पेशल तौर से आपकी बनाई गई है पुरस्कारों की सीरीज की। और इससे पहले हमने आपको काफ़ी वीडियो करंट अफेयर्स की प्रोवाइड कराई थी। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर्स की, उसमें देख सकते हैं जाकर करंट अफेयर्स की सभी वीडियो। और इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखिए, आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है रॉस टेलर। रॉस टेलर जो हैं आपके, ये खिलाड़ी हैं और ये न्यूजीलैंड से हैं। इन्हें अभी हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया है। यानी कि अभी हाल ही में रॉस टेलर जो हैं, क्रिकेटर हैं ये, न्यूजीलैंड से हैं ये, और इनको अभी हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये सब ध्यान रखना आप, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके पुरस्कारों के, मेडल के। इसमें हमने आपको ये जो वीडियो प्रोवाइड कराई है, ये सभी कंपटीशन में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के। तो ध्यान रखना आप, ये रॉस टेलर जो है न्यूजीलैंड के, इन्हें कौन सा मेडल मिला है? सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है पॉइंट जिनेथ बेदोया लीमा। जिनेथ बेदोया लीमा जो हैं ये कोलंबिया देश से हैं, और इन्हें अभी हाल ही में यूनेस्को यानी कि गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखें आप, ये जिनेर बेदोया जो हैं,
इनका पूरा नाम क्या है? जिनेत बेदोया लीमा, और ये कोलंबिया से हैं, और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020। इसके बाद हम देखते हैं आगे, तो देखिए आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है सौरभ लोढ़ा। ये आपके सामने जो फोटो बनी हुई है सौरभ लोढ़ा की है, इन्हें अभी हाल ही में युवा कैरियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नैनो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो ध्यान रखना आप, ये सौरभ लोढ़ा जो हैं इन्हें अभी हाल ही में युवा कैरियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, तो देखिए आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है किम जोंग उन। इनके नाम से सभी लोग परिचित हैं, ये जो आपके सामने फोटो लगी हुई है किम जोंग उन। अभी इन्हें हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है। किसे? किम जोंग उन को। और किस लिए सम्मानित किया गया है? रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों को संरक्षित रखा, यानी कि इनका इसमें योगदान रहा था, यानी कि रूस में जो सैनिकों की जो स्मारक हैं कब्र हैं उसमें इनको संरक्षित करने का काम किया गया था इनके द्वारा, किम जोंग उनके द्वारा, इसलिए इनको द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है। तो इसके बाद पॉइंट है आपका, इसमें आपके सामने लिखा हुआ है मुख्तार खान, चुन्नी आनंद, यासीन डार, ये तीन नाम लिखे हैं आपके, और ये क्वेश्चन आपका पेपर में 100% आना है आपका। ये मुख्तार खान, चुन्नी आनंद, यासीन डार, ये तीनों जो आपके नाम हैं, ये व्यक्ति जो हैं आपके, ये जम्मू कश्मीर से हैं, और इन्हें अभी हाल ही में पुलित्जर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना आप, ये मोस्टमेंट ज़्यादा क्वेश्चन आपका ये, मुख्तार खान, चुन्नी आनंद, यासीन डार, और ये तीनों आपके जम्मू कश्मीर से हैं, और अभी हाल ही में इन्हें पुलित्जर सम्मान से सम्मानित किया गया है। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसके बाद हम देखते हैं आगे, तो देखिए आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को अभी हाल ही में 22 एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है। लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को अभी हाल ही में 22 एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना आप, ये आपके फिल्म जगत के जो आपके अक्षय कुमार हैं, ये वो नहीं है आपके, ये लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार हैं, कभी आप फिल्म जगत से इनको नाम जोड़ें। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे, तो देखिए आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? बंगलुरु में, यानी कि कर्नाटक राज्य में। तो अभी हाल ही में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा पुरस्कार मिला है? स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। और किस लिए? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है इसको, यानी कि कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये किस लिए दिया जाता है, यानी कि पुरस्कार आपका ये सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। इसके बाद है आपका पॉइंट, तो देखिए आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक किस स्टेट से हैं आपकी? ये आपकी ओडिशा राज्य से हैं। नवीन पटनायक को अभी हाल ही में हीरो टू एनिमल्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नवीन पटनायक को अभी हाल ही में हीरो टू
एनिमल्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सभी क्वेश्चन आपके कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसके बाद भी हम आपके सामने नई नई वीडियो लेकर आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं आगे, तो देखिए आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है टाटा पावर, यानी कि टाटा पावर जो है इन्हें अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? एडिसन पुरस्कार मिला है। टाटा पावर को अभी हाल ही में एडिसन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक नवाचार के क्षेत्र में। नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन, तो ध्यान रखना आप ही सामाजिक नवाचार के क्षेत्र में टाटा पावर को एडिसन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सभी क्वेश्चन में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% मिलेगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमारे द्वारा बनाई गई, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आगे भी आपके सामने नई नई वीडियो प्रोवाइड करा सकें। और हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, और जो कैंडिडेट नए हों इस चैनल पर वह सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।